हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो देखिए इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन सो फर्स्ट इज हेल्पिंग द चाइल्ड टू ग्रो हिज पोटेंशियलिटी टू द मैक्सिमम बच्चे की हेल्प करना कि वो अपनी पोटेंशियलिटी को ग्रो कर सके एट मैक्सिमम लेवल सेकेंड मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ह्यूमन डिफरेंसेस बच्चों को ह्यूमन डिफरेंसेस के बारे में समझाना और उन्हें एक्सेप्ट करना प्रोवाइडिंग एनहांस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फिजिकल कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल स्किल्स बच्चे को इन्हांस्ड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी फिजिकल कॉग्निटिव और इमोशनल सोशल स्किल को डेवलप कर सके मीन्स बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिएक्शन पॉलिसी काम करना की जीरो रिजेक्शन पॉलिसी हो मीन बच, किसी बच्चे को डिनाई नहीं करना से और सभी बच्चे का वेलकम किया जाना चाहिए क्लास में नेक्स्ट प्रोवाइडिंग टू ईच चाइल्ड इन टू पार्टिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज एंड स्कूल प्रोग्रामॉर्डिंग टू हिज और हर कैपेबिलिटी सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो सभी क्लासरूम की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके किसी भी स्कूल प्रोग्राम में अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट कर सके नेक्स्ट फॉर्टिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स अमंग स्टूडेंट्स सभी बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना ताकि वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें हेल्पिंग पेरेंट्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल प्लानर्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पेरेंट्स की हेल्प करना वॉलन्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करना और एजुकेशनल प्लानर्स की हेल्प करना कि यह समझने में कि एक्सेप्शनल जो बच्चे होंगे उनकी प्रॉब्लम्स क्या है ताकि वह उस प्रॉब्लम को समझ सके और उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल सके प्रेपरेशन ऑफ करिकुलम दैट स्ट्रेट डिटरमाइन इफेक्टिव लर्निंग फॉर हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन इस तरह से करिकुलम को तैयार करना कि वो हैंडीकेप्ट चिल्ड्रन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग लेकर आ सके नेक्स्ट मोटिवेटिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन टू गेन मैक्सिमम अचीवमेंट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को मोटिवेट करना ताकि वो अपनी अचीवमेंट को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सके नेक्स्ट स्टैब्लिशिंग एप्रोप्रिएट गोल्स फॉर द एक्सेप्शनल चाइल्ड सभी एक्सेप्शनल चाइल्ड के लिए एक एप्रोप्रिएट गोल स्टैब्लिश करना द गोल शुड बी क्लियर रियलिस्टिक मेजरेबल एंड ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ सच चिल्ड्रन गोल ऐसा होना चाहिए कि वो क्लियर हो सभी के लिए रियलिस्टिक हो मीन्स वो पॉसिबल हो सके मेजरेबल हो उसे मेजर किया जा सके और जिससे कि सभी को अपॉर्चुनिटी दी जा सके ऑप्टिमम डेवलपमेंट के लिए अपनी पोटेंशियल को ऐसे बच्चों के लिए नेक्स्ट एंश्योरिंग प्रोग्रेस बाय कॉन्टीन्यूस रीअसेसमेंट ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन सभी डिसेबल बच्चों की री कॉन्टीन्यूअस रीअसेसमेंट होती रहनी चाहिए ताकि उनकी प्रोग्रेस को इंश्योर किया जा सके नेक्स्ट असेसिंग चिल्ड्रंस एजुकेशनल नीड्स एंड एक्सपेक्टेंसीज़ तो जो बच्चे होंगे उनकी एजुकेशनल नीड्स क्या है उनकी उनकी एक्सपेक्टेंसीज़ क्या है उनको असेस करना ऑब्जर्विंग देयर क्लासरूम बिहेवियर केयरफुली जो बच्चे होंगे डिसेबल बच्चे हैं उनका बिहेवियर सभी का केयरफुली ऑब्जर्व करना नेक्स्ट कोलेबरेटिंग विद पेरेंट्स बाय इन्वॉल्विंग दैम इन द एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड एंड हिज अचीवमेंट तो जो डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना हमारे एजुकेशनल प्रोसेस में ताकि वो बच्चे की अचीवमेंट को देख सकें मेंटेनिंग कॉन्टेक्ट एंड लिंकेजेस विद अदर प्रोफेशनल वर्किंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स तो सभी के साथ जो प्रोफेशनल वर्किंग्स है उनके साथ कॉन्टेक्ट और लिंकेज बनाए रखना ताकि वो डिसेबल्ड बच्चों को बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर सकें मेकिंग स्टूडेंट्स विद डिसबिलिटीज टू फॉलो द सेम शेड्यूल एज नॉन डिसबल्ड तो जो डिसबल बच्चे हैं उनको सेम शेड्यूल फॉलो करवाना नॉन डिसबल बच्चों के साथ इनकरेजिंग कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन नॉन डिसेबल्ड एंड डिसबल स्टूडेंट तो जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका डिसेबल्ड बच्चों के साथ एक रिलेशन बना के रखना उसको उनको इनकरेज करना कि वो डिसेबल्ड बच्चों के साथ रहें और उनकी भी हेल्प करें डिटरमाइनिंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सभी बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगाना ताकि उन्हें सही समय पर रेमेडी दी जा सके पार्टिसिपेटिंग इन पेरेंट्स एंड कम्युनिटी ओरियंटेशन प्रोग्राम तो जितने भी तरह के पेरेंट्स और कम्युनिटी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन होना टीचर्स का ताकि वो सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ सके प्रिपेरिंग नॉन डिसबल स्टूडेंट्स टू वेलकम एंड कॉपरेट डिसेबल स्टूडेंट इन द क्लासरूम तो जो नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना कि वो वेलकम कर सके और उनके साथ कॉर्पोरेट कर सके इन डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम में डेवलपिंग रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट इन डिसेबल्ड चिल्ड्रेन तो एक रियलिस्टिक सेल्फ सेल्फेप्ट को डेवलप करना डिसबल चिल्ड्रेन के अंदर कंसिडरिंग फिजिकल एंड मेंटल हाइजीन ऑफ हैंडीकेप्ड चिल्ड्रेन तो सभी जो हैंडीकेप्ड चिल्ड्रेन होंगे उनकी फिजिकल और मेंटल हाइजीन का ख्याल रखना Preparing maximum number नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू इन्वॉल्व entire क्लास तो बहुत सारी एक्टिविटीज को प्रिपेयर करना जिससे पूरी क्लास को इन्वॉल्व किया जा सके इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स फॉर देयर चिल्ड्रन तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक इंडिविजुअल गोल सेलेक्ट कर सके Determine गोल्स फॉर ईच स्टूडेंट दैट इज अप्रोप्रिएट एंड रियलिस्टिक ऐसे गोल को रेडी करना प्रिपेयर करना बच्चों के लिए जो उनके लिए अप्रोप्रिएट हो रियलिस्टिक हो डिजाइनिंग अल्टरनेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजी लेके आना अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग ब्रॉडर स्कोप टू द डिसेबल्ड टू लिव इन सोशल वर्ल्ड जो हमारा स्कोप स्कोप होना चाहिए वो ब्रॉडर होना चाहिए उन्हें एक ब्रॉडर स्कोप प्रोवाइड करना जो ताकि जो बच्चे हमारे सोशल वर्ल्ड में रह सकें अलर्टिंग द चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट इन दियर डेली लाइफ और बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना उनकी लाइफ में ताकि वह खुद से अपने पैरों पर खड़े हो सके